एक कलर का मोजा बनाना बताएंगे, इसमें डिजाइन डाल के बनाए। देखिए इस तरह से बहुत सिंपल सा मोजा है लेकिन बहुत अच्छा है बनाने में। अभी बताते हैं कैसे बनेगा। इसमें 54 फंदा नीचे डाले हैं, 54 फंदा 54 फंदा नीचे डाले हैं, डाल के फिर इतना बना ले गए हैं इसको, फिर इधर से घटाए हैं इस तरफ से, और ये वाला इस तरफ से घटा है जो इधर से घटाए हैं, और ये वाला मोजा दूसरे पैर का जो है इस तरफ से घटा है, जो ये चीज़ बना है इस तरफ से घटाए, मतलब ये इस तरफ आना चाहिए। अभी बताते हैं कैसे बनेगी। देखिए डिजाइन ऐसे ही बनेगी इस तरह से। एक फंदा, पहला फंदा उतार लीजिए, पहला फंदा उतार लीजिए। अब देखिए जाली बनी है, ये वाला फंदा ऐसे लपेट के देखिए अपनी तरफ धागा करिए, इसको ऐसे खाली ऐसे सलाइप लपेट के उतार लीजिए, बिनना नहीं है, खाली लपेट के उतार लेना है। और ये फंदा दो का एक करना है, ये जाली वाला और ये शुरू में डालिए तो ऐसे डालिए, देखिए दो का एक कर दीजिए, उल्टा बनाना है। और ये वाला उल्टा बनाते हुए बिनना नहीं है, इसको खाली सलाइप लपेट के ऐसे उतार लेना है, और ये दो का एक कर देना है। और उल्टी तरफ से पूरा उल्टा बनेगा, उल्टी तरफ से कुछ नहीं करना है। ये देखिए ये सादा फंदा है, इसको ऐसे सलाइप लपेटिए ऐसे, और बनाइए नहीं इसे उतार दीजिए, और यहाँ दो का एक कर दीजिए इसे। ये देखिए ये जाली बन जा रही है। अभी जो सादा फंदा है इसको ऐसे लपेट के ऐसे उतार लें, 54 फंदा डाल के बनाना है। और ये मतलब ये 10 हो जाए, ये डिजाइन 10 हो जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाए तो घटा दीजिए। 54 फंदा है, 27 फंदा घटा दीजिए, 27 फंदा इसी के बराबर फिर बनेगा, ये लंबाई इसी के बराबर। उल्टी तरफ से हमेशा उल्टा बनेगी डिजाइन, बस ऐसी बनेगी। एक पे से लपेट लीजिए ऐसे एक फंदे पे, और यहाँ दो का एक कर दीजिए, और उल्टी तरफ से पूरा उल्टा बनेगा। उल्टी तरफ से देखिए पूरा उल्टा बनेगा, उल्टी तरफ से कुछ नहीं करना है, तरफ से पूरा उल्टा ही बनेगा। 54 फंदा डाल के और 10 डिजाइन पड़ जाए गिन लीजिए, फिर उसके बाद 27 फंदा घटा दीजिए, और एक बार इस तरफ से घटेगा एक बार उस तरफ से घटेगा, तभी दोनों पैर का सही आएगा। इधर से कुछ नहीं, इधर से उल्टा ही बनाना है। फिर अब गया है, अभी बताते हैं कैसे नापना है। देखिए 54 फंदा डाले और गिन ले गए, इसको ये डिजाइन 1 2 3 4 5 10 गिन के इधर से घटा दीजिए, एक बार इधर से घटाइए और दूसरे पैर का इधर से घटाइए, जैसे इधर से घटाइए तब सही आएगा। और फिर इसको घटा के फिर इतना इसी की लंबाई बिन ले जाइए, इसको ऐसे नाप लीजिए इस तरह से, इस तरह से इसे नाप लीजिए, इसको इतना लंबा बिन के फिर घटा दीजिए ये पूरा फंदा, फिर उतार दीजिए। पूरा फंदा ऐसे ही उतार दीजिए,
देखिए बन के ऐसे ही आता है, इस तरह से बन के इस तरह आता है। फिर अब इसको ऐसे सिलाई कर दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ से, ये नहीं, यहाँ से ये वाला चीज नहीं सिलेगा, यहाँ से लेके ये इधर से पूरा सिल जाएगा। अब ये देखिए इसी तरह, अब ये लेके इस तरह सिलाई कर देंगे पूरा इस तरह से, ऐसे ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी सिलाई हो जाएगी। हाँ ये देखिए पूरा सिलाई ऐसे कर लिए यहाँ से यहाँ तक। अब इसको थोड़ा सा कोने पे ऐसे करके सिलना है, देखिए इस तरह से सिल लीजिए। देखिए बन गया, इसको सीधा कर लीजिए। इस तरह से बन गया है पूरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।